Hey, Fizzlers, hope you are doing well. Yay! तो अब तक हमने सीखा कि एक बलून को रब करके चार्ज किया जा सकता है। तो इसी में हमारा क्वेश्चन था कि क्या सारे मटेरियल्स को रब करके चार्ज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। हम सारे मटेरियल्स को रब करके चार्ज नहीं कर सकते। तो कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको रब करके चार्ज किया जा सकता है और कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो रब करने से चार्ज नहीं होते? आओ चलो जानते हैं। तो देखो, मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनमें चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं और दूसरा वो जिनमें चार्जेस मूव नहीं करते। यहाँ चार्जेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स ही उसके आउटर पार्ट में होते हैं। प्रोटोन तो एटम के कोर में होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। तो वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, और वो मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। तो इनमें से कौन सा रब करने से चार्ज होता है और कौन सा नहीं? तो देखो, चार्ज होने के लिए चार्ज का इकट्ठा होना जरूरी है जब भी उसे रब किया जाए, और ये कंडक्टर्स में नहीं हो पाता। एक कंडक्टर में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रब करने से आ भी जाते हैं तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर कंडक्टर को न्यूट्रल कर देते हैं, या फिर अगर कंडक्टर ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में फ्लो कर जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में एक कंडक्टर को रब करके चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में मूव नहीं करते, इसलिए रब करने से इनमें जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ गए वो वहीं रह जाते हैं, और इस तरह से इंसुलेटर में एक नेट चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक इंसुलेटर को ही रब करके चार्ज किया जा सकता है, एक कंडक्टर को नहीं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है और प्लास्टिक स्लाइड से स्लाइड करने के बाद जब हम उसके रॉड को पकड़ते हैं तो हमें शॉक क्यों लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।